नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुका हूँ अपने टेक वीडियोस के साथ। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप अपने हॉटमेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। बहुत लोगों ने दिखाया हो कैसे आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊँगा अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो कैसे आप उसको फिर से रीसेट कर सकते या फिर चेंज कर सकते। तो इसके लिए बने रहिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और भी मज़ेदार और टेक्निकल वीडियोस के लिए। आइए शुरू करते हैं। पहले जान लेते हैं हॉटमेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट में अकाउंट होता क्या। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज है उसका एक पार्ट है, और हॉटमेल और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट दोनों एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। ये दोनों अलग नाम से जाने जाते हैं लेकिन चीज़ एक ही है। ये दो मेनली आपको विंडोज लैपटॉप या कंप्यूटर पे लॉग इन करना पड़ता है। इसके साथ जाते आपका ये जो विंडोज़ है वो उसके उनके सिस्टम के साथ लिंक हो गए है, और वहाँ पर आपको पासवर्ड भी डालना पड़ता है। वही पासवर्ड अगर आप गलती से कभी भूल जाते हैं तो उसको कैसे रिसेट कर सकते हैं वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप कभी वो पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको कैसे उसको रिसेट करना है या फिर रिक्रिएट या फिर रिचेंज जो भी आप बोलते हैं वो करना है, आज मैं वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। हॉटमेल में मेल भी है, वो ईमेल आईडी भी है, वहाँ पर से आप मेल भी ले सकते हैं, किसी के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। और ये कैसे रिसेट करते हैं, कैसे उसे लॉगिन करते, तो ये मैं दिखाने वाला हूँ आज। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, वहीं पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे इसको रिक्रिएट करते हैं। आइए। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने लैपटॉप की मदद से आप अपने हॉटमेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, और उसे क्रिएट नया अगर आपको चाहते हैं ये भी मैं अलग से बता दे रहा हूँ, तो कैसे आप उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टे ट्यून कीजिए, और ये कैसे करता है ये मैं आपको पूरा डिटेल सभी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए हमें लगेगा एक ब्राउज़र, हम कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं अपना मोजिला ब्राउज़र ओपन करके रखा है, वो मैं ओपन कर लेता हूँ। ये मोजिला ब्राउज़र ओपन हो गया, यहाँ पर गूगल खोल लेंगे हम, और गूगल में हम सर्च करेंगे hotmail.com hotmail.com। या तो इंटर मारने से हमें यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। साइन इन का ऑप्शन आते ही हम क्या कर लेंगे, मैंने खोल के रखा ये साइन इन का, ऐसा आपको दिखा देगा साइन इन का ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी देना है और नेक्स्ट क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं पहले ही दिखा देता हूँ, अगर आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ पे नो अकाउंट क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्रिएट वन लिखा होगा। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, एक पूरा फॉर्म जैसा पेज। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यूज़र आईडी डालना है जो आप बनाना चाहते हैं, पासवर्ड दो बार लिखना है यहाँ पर, फिर आपको कंट्री रीजन लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपका पूरा लिखना है, आपका जेंडर लिखना है, और आपका फ़ोन कंट्री कोड, फ़ोन नंबर, अल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस डालना है, और इस कैरेक्टर को इनको यहाँ पर डालना है, लिखना है, और इसको टिक ही रहने देना है। और फिर यहाँ पर आप ये जो क्रिएट अकाउंट है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको जो आपका आपका जो नंबर है वहाँ पर दिखाएगा सेंड कोड बोल के, यहाँ पर एक आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करने से आपको एक कोड आएगा आपके फ़ोन में, 4 डिजिट का एक नंबर आएगा, वो आपको वहाँ पर डालना है। और फिर से यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है तो आपको वो वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और आपका ईमेल आईडी ओपन भी हो जाएगा तुरंत। अभी मैं दिखाता हूँ कि आप फॉरगेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप पहले सबसे पहले तो ये खुल गया है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने अपना ईमेल आईडी दे दिया है, और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही यहाँ पर ये ऐसे जाने लगेगा,
और यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करते ही यहाँ पर अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे, कीप मी साइंड इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करके आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, आपका पासवर्ड आप भूल चुके हैं, तो हम उससे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर फॉरगेट माई पासवर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा, फॉरगेट माई पासवर्ड, और यहाँ पर हम इसको क्लिक कर लेंगे। अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन है ये दिखा देता हूँ, फॉरगॉट माई पासवर्ड, आई नो माई पासवर्ड बट कैंट साइन इन, आई थिंक समवन एल्स इज़ यूजिंग माई माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। तो आपको मेनली हम ज़्यादातर देर में ये पहला वाला ही पे टिक करना है, बॉक्स पे टिक करके, यहाँ पर बॉक्स में टिक करके, बॉक्स में टिक करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और आ जाएगा, ये है आपका ईमेल आईडी, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। और यहाँ पर जो ये कैच है, फिर से इसको कैरेक्टर को हम यहाँ पर डाल देंगे अभी फटाफट से। ये क्या है, Q64S, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपको दिखा देगा कि कैसे आप यहाँ पर से अपना वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या आप ही है जिसका ये ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर आपका मेल आईडी होगा, जो ऑल्टरनेटिव मेल आईडी आपको देना पड़ेगा जो मैंने दिखाया था। यहाँ पर जो ये ऑल्टरनेटिव मेल आईडी है, ये जो आप यहाँ पर डालेंगे ये वाला वो है। यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर है, यहाँ पर टेक्स्ट आप ले सकते हैं या फिर आप कॉल भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये कोई भी नहीं है तो यहाँ पर आपको आई डोंट हैव एनी ऑफ दिस, तो मैं सबसे पहले टेक्स्ट पे ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट पे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपके फ़ोन नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पर पुट करना है, तो मैं पुट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर दूंगा क्योंकि ये अभी मैं आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए आप इरेज कर दूंगा, आप लोग कुछ बुरा मत समझना। यहाँ पर मैंने अपना को लास्ट 4 डिजिट डाल दिया है, और यहाँ पर मैं अब सेंड कोड, यहाँ पर थोड़ा नीचे आऊँगा और यहाँ पर सेंड कोड पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर एक नया ये खुल जाएगा। अब आपको आपके फ़ोन पे देखना है, आपका फ़ोन पे देखना है, वहाँ पर आपको एक अभी मैसेज आ जाएगा, तो उस मैसेज को हम ओपन कर लेंगे। और मैसेज को ओपन करने के बाद आप यहाँ पर साइड में देख पा रहे होंगे जी कैसा दिख रहा है, ऐसा दिखेगा यहाँ पर साइड में आप देख पा रहे होंगे, ऐसा मैसेज आपको आ जाएगा। तो हमें ये कोड यहाँ पर पुट करना है, मेरा कोड आप देख पा रहे होंगे, ये कोड मैं दिखा सकता हूँ क्योंकि ये यूनिक कोड है, ये हर किसी के लिए अलग होता है, तो मैं पुट कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, यहाँ पर मैंने अपना कोड पुट कर दिया है, अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, और ये अगर सही हुआ, सही होगा, तो आपको आपका रीसेट पासवर्ड, रीसेट, अब यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड आप डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ फटाफट से, ये पासवर्ड आप अपने मर्ज़ी से डालिए, जो भी तो वो याद रखिए इस बार। और फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर भी एक आ जाएगा जो आप सेव करना चाहते हैं, मैं सेव नहीं करता इसको, इसलिए मैं डोंट सेव कर दूंगा, आप चाहे तो कर सकते। और यहाँ पर आपको दिखा देगा योर अकाउंट हैज़ बीन रिकवर्ड, यहाँ पर पूरा सब कुछ दिखा देगा, योर पासवर्ड वॉज चेंज, आपको एक ईमेल आईडी भी आ जाएगा आपके ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी पर। और यहाँ पर फिर से मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा, और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर लोड होगा, और यहाँ पर ये थोड़ी देर लोड होने के बाद यहाँ पर एक फिर से वही साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी टाइप कर लेता हूँ अपना ईमेल आईडी, अब मैंने हॉटमेल डाल दिया यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर से ये नेक्स्ट क्लिक कर दूँगा, और अब मैं अपना नया जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया वो मैं डाल दूँगा यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पर साइन इन मारूंगा, आप अगर चाहे तो इस पर भी टिक कर सकते, तो ये साइन आउट नहीं होगा। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर से डोंट सेव, और अब ये सीधे मेरा आउटलुक ओपन कर रहा है, मतलब मेरा इनबॉक्स, हॉटमेल का इनबॉक्स।
यहाँ का, यहाँ पर मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड चेंज हुआ था उसका एक मेल आ गया है मुझे, और ये है हॉटमेल मेल का, आउटलुक मेल का डैशबोर्ड। यहाँ पर आप, आपका नाम होगा, अभी मेरा है लेकिन मैंने ब्लर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपका नाम होगा और ये है पूरा सब कुछ। अगर आपको साइन आउट करना है यहाँ से, फिर से वो भी यहाँ दिखा देता हूँ आपको, इसको 1 मिनट लोड होने देना होगा, फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको साइन आउट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। साइन आउट करते ही, यहाँ पर क्लिक करते ही आपको एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, आप इसे क्लोज कर दीजिए। यहाँ पर मैंने जो दिखाया था वो कैसे क्रिएट करते हैं, इसे भी मैंने क्लोज कर दिया, और ये फिर से अब हम आ गए गूगल पे, तो हम इसे भी अब क्लोज कर देते हैं, और ये हम आ गए अपने होम पेज में फिर से वापस होम स्क्रीन पे। तो ये था दोस्तों हॉटमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें पासवर्ड रिसेट करते हैं, और कैसा उसका ईमेल आईडी इनबॉक्स होता है, ये मैंने सबको, आप लोगों को दिखा दिया है। और एक बात याद रखिए, मैंने जो यहाँ पर मेल आईडी मेंशन किया था, ये मैंने आप लोगों को दिखाया, जहाँ पर आप इसे कॉपी करके कुछ मेल वेल ना करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आप नहीं रहेगा, मैं इसे डिलीट कर देने वाला हूँ बहुत जल्दी। ये मेरा मेल आईडी नहीं है, ये एक मैंने अलग से स्पेशल बना के ये आपको दिखाया है, तो आप इसको कॉपी करने की कोशिश ना करें। तो आप चलते हैं फिर से कैमरे की ओर, मैं कैमरे में बाकी आपको डिटेल्स पूरी दे देता हूँ, चलिए आइए। तो ये था दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट या फिर हॉटमेल आईडी, इसको कैसे रिसेट करते हैं, पासवर्ड इसका, इसमें कैसे चेंजेस करते हैं, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इससे क्या काम होता है ये भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। इस पे लॉगिन कैसे करते हैं ये भी बता दिया मैंने आज आप लोगों को। ये ज़रूर आपके कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही, अगर आप विंडोज़ या लैपटॉप कंप्यूटर या फिर फ़ोन भी यूज़ करते हैं तो ये आपको ज़रूर लगेगा। तो इसको मुझे लगता है ये आपको पसंद आएगा, तो इसका इस्तेमाल कीजिए कहीं पे अगर आपको लगे तो। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, गुड बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक फास्ट।